शानी, तुम इस वक्त यहाँ कैसे आना हुआ? हरीबा कहाँ है? अपने कमरे में होगी, क्यों, क्या हुआ है? शानी, तुम्हें उससे कोई काम है तो तुम ड्राइंग रूम में बैठो, मैं बुला कर लाती हूँ। शानी रुको, तुम उसे कमरे में, फोन तुम्हारे हाथ में है, कल से तो मेरी कॉल नहीं उठा। हाँ, ये कौन सा तरीका है मेरे रूम में आने का? मैं तुम्हारी कॉल ना रिसीव करूं इसका ये नहीं मतलब कि मेहमान बने बिन बुलाए मेरे कमरे में तुम आ जाओ। तुम्हें कोई तमीज नहीं है, मैनर्स नहीं है तुम्हें? मंगेतर हूं तुम्हारा, हक है मेरा तुम पे, समझी? हाँ, मंगेतर हो, शौहर नहीं। भाभी प्लीज अपने भाई को ना थोड़ी सी तमीज सिखाएं। अम्मी को पता चला कि ये मेरे रूम में आ गए, वो बहुत नाराज होंगे। मैंने शानी को बाहर ही मना किया था लेकिन इसने मेरी एक नहीं सुनी। शानी, तुम्हें अरीबा से जो भी बात करनी है तुम ड्राइंग रूम में बैठो, वहां आकर वो बात कर लेती है तुमसे। शानी चलो, बहुत हो गया अरीबा, सीधी तरह मेरी बात मान जाओ वरना तुम जानती हो मैं कितना टेढ़ा आदमी हूं। मोहब्बत करता हूं तुमसे इसलिए अब तक बर्दाश्त कर रहा हूं, मेरी मोहब्बत मजीद मत आजमाओ। मुझे धमकी दे रहे हो शानी? नहीं, वार्निंग, लास्ट वार्निंग। अरे शानी बेटा, तुम कब आए? ये शानी कब आया था? वो अम्मी बस अभी थोड़ी देर पहले ही आया था। ना सलाम ना दुआ, ऐसे ही मुंह उठाकर आया और चलता बना। बंदा गैरों को भी सलाम कर लेता है, मैं तो उसकी होने वाली सास हूँ। मुझे तो इस तरह से इग्नोर किया है उसने जैसे मेरा होना ना होना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। ये तमीज सिखाई है तुम्हारे माँ बाप ने उसको? अम्मी, हो सकता है उसने आपको देखा ना हो। कैसे ना देखा हो, इतनी बड़ी औरत उसको नजर नहीं आई है? देखो ये तौर तरीके ना तुम्हारे घर में चलते होंगे लेकिन इस घर में नहीं चलते, समझा देना अपने भाई को तुम। हमारा होने वाला दामाद है वो, हमारे साथ उठना बैठना होगा उसे। जी अम्मी, मैं समझा दूंगी। और रुको, ये क्या तरीका है तुम्हारा कि तुम डायरेक्ट शानी को अरीबा के कमरे में लेकर गई हो? वो अम्मी, वो अगर आइंदा वो यहाँ आए ना तो पहले मुझे बताना और उसको ड्राइंग रूम या लाउंज में बिठाया करो। इस तरह से डायरेक्ट अरीबा के कमरे में ले जाना ठीक नहीं है, समझ गई तुम? जी। बाबा अपने कमरे में है। मैं मामू से मिल चुका हूँ। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया अनमोल, क्या सोचा तुमने? मैं इस बारे में कुछ नहीं सोचना चाहती। झूठ बोल रही हो तुम, तुम जब से यहाँ बैठी हो मुसलसल इसी बारे में तो सोच रही हो, या तुम कोई फैसला करना नहीं चाहती हो? सारे में तुम समझ नहीं रहे हो, ये सब इतना आसान नहीं है, वो कभी नहीं मानेंगे। इसीलिए तो तुमसे कोर्ट मैरिज का कह रहा हूँ, अगर अम्मी मान जाती तो कोर्ट मैरिज की जरूरत ही कहाँ पड़ती हमें।
ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? मैं खुद मुख्तार हूँ, अपने फैसले खुद कर सकता हूँ। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो सारिम, इससे रिश्तों में मजीद इख्तलाफात बढ़ जाएंगे और फिर नफरतें बढ़ जाएंगी। तो अभी कौन सी मोहब्बत है? अम्मी मामू को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, मामू अम्मी की शक्ल देखने के लिए राजी नहीं है। मोल, मैं तुम्हारे और अपने दरमियान पुराने रिश्तों में पड़ी दरार को जोड़ना नहीं बल्कि नए रिश्ते की बुनियाद रखना चाहता हूं, जिसकी तामीर में हमारी मोहब्बत शामिल होगी। अनमोल, मेरा यकीन करो, मेरी मोहब्बत में कोई खोट नहीं है। मैंने इतना बड़ा फैसला बहुत सोच समझ के किया है। अनमोल, मैं किसी भी हालत में तुम्हें खोना नहीं चाहता हूं। अब बताओ, तुम उसे कोर्ट मैरिज करोगी या नहीं? प्लीज अनमोल, मेरी बात मान लो, हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। बाबा, तुम गए नहीं अभी तक? जी मामू, बस निकल ही रहा था। चलता हूं। मामू ने कुछ नहीं सुना, अगर सुना होता तो क्या वो इतनी खामोशी से चले जाते? अनमोल, तुम बिला वजह जिस बात का वजूद ही ना, उसकी भी टेंशन ले लेती हो। हाँ, कह तो तुम ठीक ही रहे हो, बिला वजह ही परेशान हो जाती हूँ, जैसे खुद पर से यकीन ही खत्म हो गया हो। वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा अनमोल। अनमोल, इस मुश्किल वक्त में मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, इसीलिए तुमसे शादी करना चाहता हूं। मेरे ख्याल में हम दोनों के लिए यही बेहतर है। क्या हुआ आपे? परेशान लग रही हैं? कुछ नहीं। कोई तो बात है? कोई बात नहीं है बुशरा, क्यों मेरा दिमाग खा रही हो इस वक्त? जाकर सो जाओ ना, मैं आती हूं। अच्छा रुको, वो बाबा ने कुछ बताया तुम्हें? मतलब कुछ पूछा है, कुछ कहा है उन्होंने? नहीं तो क्यों, कोई बात हुई? नहीं, कोई बात नहीं हुई। ठीक है, तुम जाकर सो जाओ, मैं आती हूँ।